आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से गुस्साए परिजनों ने शव रखकर थाने का किया घेराव। कानपुर के थाना रेल बाजार अंतर्गत फैतफुलगंज में बीती 4 मई को दामाद ने अपने परिजनों के साथ मिलकर ससुरालियों की लाठी डंडों से हमला करते हुए जमकर पिटाई की थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया था। वहीं पीड़ित रेहान की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 6 नामजद व 1 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 147, 148, 323 व अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था। वहीं इलाज के दौरान पीड़ित रेहान के पिता मोहम्मद सफी की 10 मई मंगलवार की सुबह इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। वहीं पीड़ित परिवार ने मृतक की जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद मृतक के शव को थाना रेल बाजार के गेट के सामने रख आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे कैंट विधायक हसन रूमी ने बताया कि थाना प्रभारी रेल बाजार से बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि मुकदमे में आईपीसी की धारा 302 तरमीम कर दी गई है। एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है व अन्य आरोपियों की 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के आश्वासन के साथ परिजनों का चंद मिनटों में ही हंगामा शांत हो गया। संजू के साथ अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। क्या मामला था, आप लोग क्यों थाने घिराव कर रहे थे भाई? मेरे पापा को 4 मई 2022 शाम 4:30 बजे कुछ दरिंदों ने डंडे से मार कर खत्म कर दिया और डंडे में कील लगी हुई थी। कील लगी हुई डंडों से इतना मारा कि वो आईसीयू में 5 दिन रहे। उसके बाद कल रात में उन्होंने दम तोड़ दिया। हम लोग ने FIR भी कराई। कारण क्या था, किस वजह से मारपीट हुई है उनकी, तब उसके ऊपर कल मैंने डिस्चार्ज जमा किया है, FIR कराया। FIR उसी दिन हो गई थी, लेकिन कोई 4 दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो लोग खुले घूमते रहे, वो लोग उल्टा और उल्टा बोल रहे हैं कि जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुम लोग। अभी पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। मैं आपसे पुलिस से निवेदन करता हूँ कि इसे मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमें अन्याय दिला दीजिए। अन्याय विधायक जी, अभी यहाँ पे ये लोग जो है मिट्टी लेके थाने में घिराव कर रहे, किस कारण? यहाँ पर कब्रिस्तान में 2 लोगों में बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ था 4-5 दिन पहले, जिसमें ये जिनका इंतकाल हुआ है ये गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। शफीक साहब कल इन्होंने अपना दम तोड़ा। कल एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ और अभी मेरी इंस्पेक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर बाकी के लोगों सबको गिरफ्तार किया जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में परिवार के क्या संतुष्ट हैं इस बात पे? परिवार तो भाई देखिए, जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार होंगे तो परिवार संतुष्ट होगा। अब परिवार के अगर मान लो जो उनके हत्यारे हैं उनके पिता के वो घूम रहे होंगे तो संतुष्ट कहाँ से होंगे? गिरफ्तार हो जाएंगे तो ये संतुष्ट हो जाएंगे और उन्होंने आश्वासन दिया है। देश विदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।